छत्रपति भगवान की, गजानन महाराज की। चले भाई जाइए। माताओं से विशेष निवेदन है, आप लोग और आगे किसे क्या भैया। थोड़ी से ऐसे जगह रखेगी कि चलने के लिए सभी के सुविधा रहे। जो माँ बहने पीछे बैठी हुई आप लोग आगे खींच सके, बहुत सी जगह है। पुरुष समाज यदि आप लोगों को बैठने में कुछ दिक्कत हो रही है, बाहर पैसा जो है वो खाली, आप वहाँ पर भी आराम से बैठ सकते हैं। जब आप लोग फिनिश ऑफ हो जाएंगे अपने स्टोरी से तो आज की गणपति पूजा जो है वो प्रारंभ किया जाएगा कथा प्रसंग। कोई फिक्र नहीं अगर यदि केफ्यू आवर्स भी हो जाए, ठीक है। आप लोग आरती की दर्शन करें, एक व्यक्ति आरती ले लो फिर दूसरे को ऐसे दिखाते चले जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे जो पीछे बैठे हुए हैं आप लोगों के लिए यहां जगह बनाया गया, आप लोग चले आओ। नवीश बेटा आप लोग जो छोटा ट्रुप पीछे बैठा है आप लोग चले आओ। जितने छोटे छोटे बच्चे पीछे बैठे हुए आप लोगों के लिए यहां पर जगह बनाया गया, आप लोग यहां पर बैठेंगे। विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रधान ट्रस्टीगण, कार्यकारिणी कमेटी, पूजनीय पंडित जी, सन 2020 की गणपति महाउत्सव को अगुवाई करने वाले परिवार, छठे दिवस की सुबह और शाम की मंगल आरती को संपन्न करने वाले गुजरात समाज की ओर से गुलाबदास परिवार तथा श्रीमान तथा श्रीमती रोनल प्रसाद परिवार, साथ साथ में नुकलोआ लवकुश रमाई मंडली और श्रीमान तथा श्रीमती सुरेश नारायण। इन परिवार के द्वारा आज सुबह और शाम की मंगल आरती जो है इसको विशेष रूप से संपन्न किया गया। तो ऐसे में आप परिवार को अनेकों अनेकों बार धन्यवाद और साधुवाद अर्पित कर रहे हैं कि जो आप अपने बहुमूल्य समय निकाल और विशेष रूप से धन्यवाद दे रहे हैं नुकलोआ लवकुश रमाई मंडली को। जब से गणपति महाउत्सव हम विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर तले मना रहे हैं और तब से आपका सहयोग जो है सदैव उच्च कोटि का हमारे इस मंदिर तले है। आप हर एक समय पर अपने पारी को लेकर के और अपने भूमिका को निभाने के लिए बड़े खूबी से तैयार होकर के और सदैव यहाँ पर अपने पदार्पण को देते हैं। ऐसे में हमारे विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर की कमेटी कथावाचक पंडित जी की ओर से अनेकों अनेकों बार आप लोगों को धन्यवाद और साधुवाद अर्पित कर रहे हैं। देवियों तथा सज्जनों भगवान की मंगल आरती आप तक सब पहुंच रही है, आप उसको दर्शन करते रहे। शेष हम यहां से कथा की ओर रुख मोड़ते हैं और ऐसे में यही दृढ़ विश्वास रखेंगे कि आप सब हमारे साथ देने के प्रयास करें। जितने एग्जिट्स हैं हम लोग प्रयास करेंगे कि जितने एग्जिट्स हैं उनको बिल्कुल प्रयास करेंगे कि खाली रखें कि किसी को आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। यदि किसी को बैठने में अभी भी तकलीफ हो रही है आप लोगों के लिए बाहर बेंच इत्यादि भी ठीक किया गया है, आप वहां पर बैठ सकते हैं। हालांकि कल विशेष रूप से मैं किसी पर ये बात लागू नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कहना हमारा कर्तव्य बनता है। हमारी जो भागी संतान है जो अक्सर हम देखते हैं वहां पीछे बैठते थे और नित्य प्रति वो अपने मोबाइल फोन पर जुटे रहते थे, यहाँ कथावाचक इतनी सुंदर से कथा को वाचते हैं, कथा को सुनते हैं, हम सबको शरबत कराते हैं, लेकिन ये बच्चे वहां बैठ करके मोबाइल फोन पर जुटे रहते हैं।
हमको मालूम भी नहीं पड़ता वो कथा में दृष्टिकोण लाते हैं या नहीं लाते, इसीलिए कल से नहीं बल्कि आज से जितने हमारे भागी संतान है आप लोगों के लिए यहाँ पर आगे जगह बनाया गया। और यदि आप लोगों के पास में मोबाइल फोन है उसको मैं रोक नहीं कर रहा हूँ कि आप उसको लेकर के आओ, लेकिन उसको जब कथा प्रसंग हो रही है उसको साइलेंट मोड पर कर दो, जिससे कि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो और हमारी दृष्टिकोण हमारी जो मन है वो एकाग्रित होकर के हम भगवान गणाधीश की कथा को श्रवण कर सके। तो चले देवियों तथा सज्जनों, लाल फूल लीलू फूल गणपति बप्पा, गली गली में शोर है गणपति बप्पा, चाइना हो या कोरिया गणपति बप्पा, चाहे चाइना हो चाहे कोरिया हो लेकिन गणपति बप्पा मोरिया। चले यहां से शीघ्र ही गणेश चालीसा में हम लोग भागी बन गए। धन्यवाद। जय गणपति सज गुण सदन कृपा कहीं अंतर ना।
सकल मगल सुख मंगल गावै नव के सुरन सुमन बरसावै शंभु मां बहु दान लुटावै सुर मुनि जन सुत देखन आवै शनि मन सचुचाय का करो शिशु मोहि काय नहीं विश्वास हुमाउर भयो शनि सो बालक के खल कायो पर तहीं शनि मृग पूर्ण प्रकाशा बालक सिर उर गिरिजा गिरी विकल है धरणी सो दुख दशा गयो नहीं बरणी हाहाकार मचो कैलाशा शनि की में हो लगी सुत काना पुरत गरुड़ चढ़ विष्णु सिधाय काट चक्र सो गज शिर लाय बालक के धरु पर धाय प्राण मंत्र परि शंकर गाय नाम गणेश शंभु तब कीन्ह प्रथम पूज्य बुद्धि जब शिव कीना पृथ्वी कर प्रतिक्षिणारीना तय शरण भरम भुलाई रच बैठे तुम बुद्धि उपाय चरण गणेश कहीं शिव ही हर्ष नव के सुरन सुमन बहु बरसे तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई शेष सहस मुख सकाए न गाई मैं मति हीन महीन दुखारी करहु कौन विधि राम सुंदर प्रभु दासा जग प्रयाग करके राजुर्वाशा अब प्रभु दया दीन पर दीजे अपनी शक्ति भक्ति कछु दीजे अब प्रभु दया दीन पर दीजे अपनी चालीसा पाठ करे निधि नव मंगल ग्रह लहे जगत सन्मान संबंध अपने सहस्र जशी ऋषि पंच निधि पूरण चालीसा है मंगल मूर्ति गए
प्रेम से प्रभु जानंद भगवान की जय। पुनर्वारी आता है, गणेश अमृतवाणी पाठ करते हैं। विघ्न विनाशक गणराय भय से मुक्त करे, इसकी दया से भक्तन की भव से ना उतरे। ऐसे तू
महरा पूजन में रस बरसाओ, महरा पूजन में रस बरसाओ, आओ आओ गजानंद we
स्वागत है। और आज छठवीं रात्रि हम बाबा जी की इस गणेश उत्सव को मनाते हुए इस पावन पुण्य स्थान पर अपना पदार्पण को दिए हैं। आप सभी का सुस्वागत है। दोनों ब्राह्मणों के चरणार में मेरा अभिनंदन हो। कथा में ऋषि को धारण करने वाले जितने भी श्रोता जहां जहां से भी आए हैं, आप सभी का एक बार फिर इस विशाल मंदिर तले हम आभार प्रकट करते हैं। प्रिय बंधुजन, महाराज जी का, बाबा जी का जो चतुर्थी का जन्मदिन हुआ था, और उस दिन से हम देखते हैं कि लोग की कतार बढ़ती जा रही है। लेकिन ये आप मत सोचे कि हमारे पास बैठने उठने के स्थान नहीं है, हमारे पास बहुत स्थान बैठने का। उस तरफ मंदिर इत्यादि इत्यादि जहाँ पाओ, क्योंकि इतना पवित्र स्थान है, जहाँ चाहो वहाँ बैठो। और बाबा जी कृपा से मौसम भी इतना सुहावना है कि आनंद से बैठ कर और कीर्तन भजन इत्यादि। तो कल की कथा की ओर मुड़ते हैं। कल हम कथा में बाबा जी के विषय में मौर्या जी का क्या, उनके साथ जो मौर्या नाम जुड़ा है, एक है गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने रामायण का रचना किया, और एक है गोस्वामी मौर्या जिन्होंने कर्म द्वारा अपने गोस्वामी पद का प्राप्त कर लिया, अपने कर्म से गोस्वामी बन गया मौर्या। तुलसीदास जी महाकाव्य रामायण का निर्माण किया। लोग कहते हैं चलो मंदिर चलो, मंदिर जाएंगे हमारा सब का पाप कट जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा, हम तर जाएंगे। ये लोगों का विचार होगा कि चलो मंदिर चलो। और सब मंदिर चले आते हैं क्या करने के, चलो भक्ति होगा, सत्संग होगा। लेकिन विशेष करके कथा में आया था, कथावाचक ने कहा था कि
पाप कटेगा, अनजाने जाने में जो हम पाप इत्यादि करते हैं, हमसे कितने चलते रास्ते में चीटियाँ दब जाती है, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो अनजाने जाने में ये होता रहता है। प्रिय बंधु जन, ऐसे मंदिर आने से अगर हो जाता तो क्या। तुलसीदास जी ने कहा है कि मंदिर आने से केवल हमारा पाप नहीं कटता है, लेकिन मंदिर में आ करे और क्या करना चाहिए। कलयुग के वर नाम तुलसीदास जी का कहना है कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, के नाम जपने से, नाम का स्मरण करने से। देखो सुमिरन में, स्मरण में मरण आखिरी में, जो शब्द स्मरण है उसमें जो मरण शब्द है वो आखिरी में, कहते कि स्मरण करने से हमारा मरण दूर हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, तो मंदिर में बैठ गए और मुस्कुराए नहीं, भगवान का नाम लिया नहीं, गणपति बप्पा बोला नहीं, तो फिर कुछ कटने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, उससे फायदा घर पर रहो। जैसे मैंने कहा उपवास करो, इसका मतलब नहीं व्रत करो, उसका मतलब नहीं कि व्रत के मारे, भूख के मारे अंदर भूख लगा है, चेहरा सूखा हुआ है, चेहरा गिरा हुआ, लेकिन नहीं, 6 बजे तक जैसे सूर्य अस्त ना हो जाए तो हमारा व्रत टूटेगा, वो दिखाए के लिए है। उधर पति बेचारा भूखा मरा है, भोजन मांगे, निकाल लो आज हमारा उपवास है, तुम निकाल लो, हमारे देह ताकत नहीं है, आज हमारा उपवास है, क्या फायदा। कुछ करना है तो मुस्कुरा कर करो। वहीं पर तुलसीदास जी बैठकर लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे युग पानी। अर्थ कि मैंने संसार में, तुलसीदास जी लिख रहा था चौपाई, तो सिया राम मैं सब जग जान, करहूं प्रणाम जोरे युग पान। कि जितने भी जीव संसार में जिसको भी देखो उसमें सिया राम में, तुलसीदास जी कहता है कि मैंने सब में सिया और राम देखा है। लिखकर तुलसीदास जी उठकर जा रहे थे, बन की ओर जा रहा था तुलसीदास जी, जा रहा था तुलसीदास जी बन की ओर, तो उधर से एक छोटा सा बालक निकल कर आया और तुलसीदास जी से बोलता है, बाबा जी इस बन की ओर मत जाओ। बोले कहा है, बोले बहुत भयंकर भय उस तरफ से आ रहा है। बोले तो, और आप तो लाल धोती पहरे हो, बैल लाल वस्तु को देखकर अटैक करता है, क्या करना है, लाल मत पहनना, बैल क्या गिर जाओ, दौड़ा लेगा, और मेरा बात को अगर नहीं मानो तो ट्राई कर लो। नहीं, अगर नहीं मानते हो तो ट्राई कर लो भाई, आकर मुझसे कल आकर कहना कि हम यहां इसको ट्राई किया था और नहीं, हमें नहीं जोड़ाया, आने लायक तेरे हो कि तब बताना। चले चले जाओ लाल वस्तु पहन कर। तो बालक कहा, तो तुलसीदास जी कहते कि देखो चाहे बैल आए, चाहे जंगल झाड़ी में शेर हो, मैंने अभी चौपाई लिखा है, क्या लिखा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर युग पानी। मैं तो सब में सिया राम देखता हूं, और ऐसा बोलकर वो चल गया। तुलसीदास जी जा रहे हैं, उधर जब बैल देखा तो बैल तो बैल है, आया सिंह मारा, तुलसीदास को उठाया, नीचे फटका, एक लात दिया और बैल चला गया। तुलसीदास जी लौट कर आया, अब बैठा वहीं पर, नहीं ये चौपाई गड़बड़ है, ये चौपाई मैं रामायण में लिखने वाला नहीं, ये चौपाई को मैं काट देता हूं रामायण से,
ये चौपाई, मैं तो उस बैल में सिया राम देखा लेकिन फिर भी नहीं माना, उसने मुझे सिंह से मारा, चलो ये चौपाई मैं काट देता हूं। इस चौपाई को काटने वाला था पवन पुत्र महावीर, वही सामने प्रकट हो गए, क्योंकि रामायण का रक्षा करने वाला स्वयं महावीर स्वामी है। ये बंधुजन स्वयं महावीर जी प्रकट हो गए सामने और कहा, हे तुलसीदास जी, हे तुलसी, क्या कर रहे हो? बोले, नहीं प्रभु, बोले नहीं, ये चौपाई, बोले मेरा हालत देखो, ये चौपाई मैंने लिखा था, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी गोपानी, और मैं तो बैल में सिया राम देखा, उसने मुझे सिंह और लात मार दिया। तो हनुमान जी कहते हैं, बोले बात तुम्हारा ठीक, बोले बैल से पहले, बोले आपके पास एक नन्ना बालक आया था, बोले हाँ, बोले उसमें राम नहीं दिखा था आपको, उसमें सिया नहीं दिखा था, कि आपको राम ने पहले से चेताया था, सिया ने पहले से बताया था कि वन में नहीं जाना, वहां बैल वेट करे आपको। ऐसे है प्रिय बंधु जन कि सब में परमात्मा है, लेकिन आंधर मत बनो, रास्ते में चल रहे हो तो नीचे ताक कर चलो, ऊपर ताकोगे तो ठोकर लगेगा, सिर अकड़ कर चलोगे तो ठोकर लगेगा, झुका दो सिर, नीचे चलो, देखकर जान बूझ नर कर हिटाई, बूढ़ा जाए खाना पानी। तो ऐसे इस प्रकार से कि सियाराम, अगर सब प्राणी में हम सियाराम देखने लगे प्रिय बंधु जन, तो हमारा तो काम बन गया, फिर हम क्या हो जाएंगे, हम भगवान के प्रिय हो जाएंगे, हमारे अंदर छल कपट ये सब कुछ नहीं रहेगा, सब निकल जाएगा, ना छल रहेगा, ना कपट रहेगा किसी के प्रति, ना ईर्ष्या रहेगा, इत्यादि इत्यादि कुछ नहीं रहेगा। आप जानते हैं माता अनुसुईया की कथा सुनी होगी, माता अनुसुईया कौन थी, आत्री मुनि के पत्नी माता सती अनुसुईया, उन्होंने सूर्य के तेज को रोक दिया था, अत्रि मुनि को कोढ़ का बीमारी हो गया था, और उसको कि अगर कल सूर्य उदय होगा अत्रि मुनि का मृत्यु निश्चित है, तो अनसुईया माता हाथ में जल लिया, जो पति के शरीर को नहाती थी अनसुईया माता, उस धोवन को भरकर लोटे में रखती थी, और हाथ में जल लिया और कहा कि अगर मैं मन क्रम वचन से मैंने अपने पति का सेवा किया और मैं एक सती नारी हूं, तो कल से सूर्य उदय ही नहीं होगा, मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश का सौगंध है, अगर मेरा सत्ता सही है कि मैंने अपने पति को छोड़कर मैं सती जो सेवा किया, अगर मैं सही हूं तो कल सूर्य उदय ना हो, अब क्या हो, उन्होंने सूर्य उदय होने से रोक दिया प्रिय बंधु, क्योंकि वो सती नारी थी, और तब ब्रह्मा विष्णु महेश उनके द्वार पर आए, उनकी सत्ता का प्रभाव मुनि नारद जाकर किसको बतलाते हैं, पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती को, कि तुम लोग तो यहां बैठे हो ब्रह्मानी, तुम यहां बैठे हो ब्रह्मा जी के साथ, लेकिन लक्ष्मी तुम बैकुंठ में विष्णु के साथ हो, पार्वती शिव जी, लेकिन मैं सती अनुसुईया का गाथा जब ये तीनों सुनते हैं तो तीनों के मन में कोशिश करना, एक की तुम बड़ाई करो ये बहुत ज्यादा है, तो तीसरा दूसरा सुनने का उसके क्या बड़ाई हुए है कि नहीं, ना तब से नहीं, बहुत पहले से पुरातन से, तो इनसे देखा ना गया, इन्होंने अपने पति को ही भेज दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश से को भेज दिया, कहा माता अनुसुईया के द्वार पर जाओ, परीक्षा ले लो, और उनसे कहना कि हमको स्तन पान कराए, तीनों देवता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता आए उनके सामने, तो माता अनुसुईया से कहने के लिए कि हमको स्तन पान कराओ, अब ये तो तीनों पुरुष है, निगन होकर हमको स्तन पान कराओ, माता जान गई ये पुत्री देवा है, अपने पति का धोवन जो कटोरी में था उठाई और तीनों पे छिड़का, तीनों बालक स्वरूप हो गए, तीनों के लगी स्तन पान कराने, अब तो उधर ब्रह्मा विष्णु बालक हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी तीन बालक हो गए माता अनुसुईया के द्वार पर, और उधर माता लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती क्या करते हैं, अब खोजे मर के पति कहां चलाएंगे, ये अब बिलक रही है पति कहां, मुनि नारद जी बताए जहां भेजे तो वहीं तो होंगे, तो तीनों बहना चली साथ में, आई अनुसुईया के द्वार पर, जब आई तो सबसे पहले लक्ष्मी खिड़की में से झांक कर
यहीं से प्रथा चल गया है नारियों का कि पड़ोसी घर में झांक कर वो क्या लेकर आई आज बाजार से, कहां साड़ी लेकर आई, जेक्स वाला है कि उसके वाला है, झांक कर ताकने का। माता लक्ष्मी क्यों? क्योंकि नारद मुनि उसके पीछे थे, नारद मुनि उनके पीछे ही खड़े थे। और नारद मुनि जब देखा कि लक्ष्मी माँ ने दरवाजे से नहीं खिड़की में से झांक कर देखा, नारद मुनि ने उसी समय माता लक्ष्मी से कह दिया कि आज से मृत लोक में जितने भी नारी होंगे उनका अपना छोर दूसरे पे ज्यादा ध्यान रहेगा। तो मैं बुराई नहीं कर रहा, कथा कह रहा हूं, बुरी नारद का श्राप है, तो अगर आप ये कर रहे हो ये श्राप ये उस समय से आया है। कोई ज्यादा झुमका बज के तो बोले उसके देख ले दीदी झांकना। नारद जी तो तीनों सामने जब आए, तीनों अनुसुईया के सामने आए तो वहां तो देखे तीन बालक, तो अपना परिचय दिया कि मैं लक्ष्मी, ये पार्वती, ये सरस्वती, हम आए, हमारे पति आपके पास है। तो माता अनुसुईया कहती हाँ तीन आए थे, ये तीन बालक हो गए। ये तीनों देखे बालक को घबरा गए, प्रिय बंधुजन देखिए घबरा गए, अब कौन किसका पति है। अत्रि मुनि इधर बैठा था, बोले कौन आए हैं? तो अनुसुईया कहेगी तुम्हारी पत्थो आई है, तुम्हारे तीन तीन पत्थो आए। बोले आए पत्थो कहां से? बोले अरे इनके तीन। अत्रि मुनि कहते हैं कि तीन बालक है। बोले हां आजकल जमाना में जिस माँ को बेटे, जिस बेटे को माँ पालती है, पाल पोस कर जब बड़ा कर देती है, शादी होता है, उसी बेटे को वो लड़की वो पत्नी लेकर अलग हो जाती है, चल देती है। क्योंकि उनको ये अनुभव नहीं है कि किस तरह से माँ ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। अब अनुसुईया कहती है कि तुम लोग को नहीं मालूम है कि माँ कैसे पाल पोस कर बड़ा करती है, लो तुम्हारा पति, इसको पाल पोस के बड़ा करो, तो पता नहीं कि कैसे पाल पोस के बड़ा किया जाता है। तो फिर अत्रि मुनि कहता है नहीं इनको लौटा दो। और तब माता अनुसुईया ने पुनः जल पे छिड़का और तब दत्तात्रेय अवतार, उसी माता अनुसुईया के द्वार पर भगवान विष्णु का दत्तात्रेय भगवान दर्शन देते हैं। तो एक बात याद रखो जीवन में कि हम मंदिर आते हैं किस भय से आते हैं, किस कारण से आते हैं मंदिर, कुछ शुभ शुभ बातें ना। अरे मंदिर में कहते हैं पंडित जी जब प्रार्थना करते हैं कि अगर बाहर का पत्थर लाया मंदिर में शिवलिंग बना गया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके वो भगवान हो गया, जिस मार्बल स्टोन, मार्बल कहते हैं, मार्बल स्टोन का मूर्ति बनता है और फिर मार्बल स्टोन का टाइल भी बनता है, मार्बल स्टोन का मूर्ति बनता है और उसी मार्बल का टाइल भी बनता है। बात फर्क ये हो जाता है प्रिय बंधु जन कि जिस मार्बल पे जो कारीगर है उसे परोसता है, प्रोसता है उसको और मूर्ति में निर्माण कर देता है, तो वो मार्बल पीड़ा सहता है प्रिय बंधु जन कि कहते हैं कि संसार में जो तन पीड़ा सहेगा, जो तन कष्ट उठाएगा वो परमात्मा पूजनीय रूप हो जाएगा, और जिसको पीड़ा नहीं चाहिए बस स्क्वायर रूप में काट दो तो वो टाइल बन जाएगा जिस पर लोग जूता रखकर चलेंगे। तो अगर संसार में भक्त बनना है, भक्त सहा चलेंगे, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। शबरी तो देखो गुरु मटन का वाणी था लेकिन रोज झाड़ती थी अपने अंगना, ना जाने कौन समय भगवान आ जाए, किस समय आ जाए, यहां तो हफ्ता हो जाए घर में झाड़ूने लगे। तो कारीगर का बनाया हुआ मूर्ति लाकर मंदिर में रख के वो भगवान हो जाता है प्रिय बंधुजन। और जो लोग रोज मंदिर आते हैं, रोज मंदिर आते रहे भगवान छोड़ इंसान नहीं बन पाते हैं, मंदिर में आकर इंसान तो बन जाए, अगर भगवान ना बन सके तो इंसान तो बने। और इंसान का बनना सबसे सिंपल चौपाई रामायण में क्या लिखा है, निभाना बहुत कठिन है लेकिन सबसे सरल चौपाई है
निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्रेण भावा। लोग आ जाते हैं कि बोले उसमें ये बुराई है, उसमें ये बुराई है, उसमें ये बुराई है। पहले अपने बुरा जो भोजन में चला बुरा न मिलिया को, जो मन देखा अपना इनसे बुरा न कोई। और कि जैसे हम दूसरे के प्रति कुछ घृणा विचार कुछ बुराई सोचते हैं, बस तुमसे बुरा कौन हो गया। पहले अपने आप को देखो हम है कौन, तब फिर दूसरे पर हम उंगली उछाले, क्योंकि ज्यादा त्रीज आर लुकिंग एट यू। क्या सीखो, ये तन जो बनाया भगवान ने, यहां हम इससे सीखे। ऐसे मैंने कल कथा में कहा कि ज्येष्ठा और लक्ष्मी, उसी के विषय में था ना कल कथा कि दरिद्रा कहां पर रहती है, लक्ष्मी को कौन भोजन में पसंद है। लक्ष्मी का जब पकवान सत्यनारायण कथा होता है तो क्या बनता है, खीर पूरी पंजीरी रामायण में आता है। लेकिन लक्ष्मी का जो भोग है वो मीठा है, मीठा प्रसाद मिल जाता है लक्ष्मी को। और लक्ष्मी की जो बहना है ज्येष्ठा, उसको क्या पसंद है, उसको तीखा और खट्टा पसंद है। तीखा का मतलब तीता, हाँ हम लोग तीता कहते हैं लेकिन तीखा भी कहा गया, तो तीखा और खट्टा ये ज्येष्ठा को पसंद है। ज्येष्ठा बहुत सुंदर थी, लक्ष्मी से भी सुंदर थी। तो लक्ष्मी का शादी किससे हुआ, चलो मेरा सवाल, लक्ष्मी को किसने शादी किसके साथ ब्याह हुआ, विष्णु भगवान के साथ ना। आपका नाम अयान, बाबा जी को प्रणाम कर जाते। चलो तालियों से धन्यवाद दे इसको। तो ज्येष्ठा का शादी नहीं हुआ, ज्येष्ठा बड़ी बहन थी, लक्ष्मी छोटी बहन थी। अब घर में छोटी के बात हो जाए तो बड़ी तो फूल जाएगी, एकर शादी हमारे टाइम है। और सुंदर में तो ज्येष्ठा ढेर सुंदर थी, लेकिन जब सामने लाया गया तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को पसंद किया। तो अब ज्येष्ठा सोचती है, तो लक्ष्मी जान गई मेरी बहना थोड़ा रुष्ट हो गई है, तो अपने पिता से माता से कहा कि पहले इनके शादी कराओ। तो इनका शादी दुसा ऋषि के साथ हुआ। अब ज्येष्ठा है दरिद्रा, दुसा के साथ शादी हुआ, दुसा भिखारी हो गया। ये ऋषि था, ज्येष्ठा को शादी करके लेकर गया अपने आश्रम पर, वहां पर हवन यज्ञ हो रहा था। हवन यज्ञ होते देखकर ज्येष्ठा क्या किया कि मैं अंदर जाने वाली नहीं हूं, क्योंकि जहां पर यज्ञ होगा, जहां पर हवन होगा, जहां पर भगवत कार्य होगा, दरिद्रा वहां पर कभी नहीं जाएगी, याद रखना। तो दरिद्रा क्या किया, एक पीपल का पेड़ था उसके नीचे बैठ गई, अपने पति से कहा मैं वहां जाने वाली नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अब जैसे अभी मैंने कहा कि लक्ष्मी को मीठा पसंद है और ज्येष्ठा को तीखा और खट्टा पसंद है। अब घरेलू बात आ जाता है इसके, अगर आप चाहते हो कि घर में लक्ष्मी आए तो घर में रोज मीठा कुछ ना कुछ रहना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी और ज्येष्ठा को भगवान विष्णु का वरदान है कि तुम लोग रोज भ्रमण करोगे घर में, रोज तुम लोग भ्रमण करोगे मृत लोक में, हर एक द्वार तुम लोग जाओगे। कुछ कुछ द्वार पे आप जाओगे, बाहर देखोगे एक तरफ नब्बू टंगा, एक तरफ मिर्चा टंगा है, बाहर क्यों टांग कर रखते हैं कि जैसे दरिद्रा आए बाहर से भोग लगाकर चली जाए, उसका भोजन है
खट्टा खाना और तीखा खाना वो बाहर से भोग लगाकर चली जाए और लक्ष्मी मैया के लिए अंदर मिष्ठान रखा हुआ है तो मैया अंदर आएगी और मिष्ठान का भोग करके जाएगी। लेकिन आजकल क्या होता है, लेजीनेस इतना ज्यादा आ गया है क्योंकि हमारे पास समय नहीं रहता है, हम घर ही के भीतर किचन में खट्टा और मिर्चा एक ही कटोरी में बंद करके घर देते हैं। आज से अगर किया आप लोग कर रहे हैं तो बंद कर देना, क्योंकि एक साथ खट्टा और मिर्चा हमें कंटेनर में बंद करके और फ्रिज में धर देते, प्रिय बंधुजन, दरिद्रता वहीं आकर वास करती है, घर के अंदर आकर भोग लगाती है। ये मैं गणेश पुराण के माध्यम से बात निकालकर आपको कह रहा हूं। अगर रखना है दूर दूर साथ में मत रखो, ये दोनों साथ हो गए वहीं पर दरिद्रता आ जाएगी। तवे से आज थोड़े थोड़े बात में सास ननद देवरानी जेठानी पठो में विवाद हो जाए, काहे दरिद्रता दुख तुम तो साथ में रखियो तभी इससे होता है। देवरानी का नाम क्या है प्रिय? देवरानी का अर्थ जानते हो? जो देवलोक से आई है रानी बनकर तुम्हारे घर में, उसी का नाम है देवरानी। जेठानी कौन है? जेठानी का अर्थ क्या है प्रिय बंधुजन? जो देवरानी जो देवलोक से आई है रानी बनकर और अपने से बड़ी जो घर में है उसका जय जयकार करने के लिए ठान लिया, उसी का नाम हो गया जेठानी। अगर ऐसा मिले तो बताओ, ऐसा कोई देवरानी है जो आकर अपने से बड़ी जो घर में है उसका जय जयकार करने के लिए ठान ले, उसी का नाम हो जाए जेठानी, तब देवरानी बनो। हाँ बोले हमारा देवरानी है, कहे कि देव लोक से रानी हमारा जय जयकार कर इसे हम जेठानी है कर। तो बड़ा मुमकिन मुमकिन बात है, ठीक है, मुश्किल बात है इसमें करे। हाँ तो इस प्रकार से याद रखे कि ये दरिद्रता का वास है। संतों का कहना है कि जब बेटी की शादी हुई तो चार वस्तु नहीं दिया जाता। कौन है चार वस्तु दान में? चार वस्तु दान में नहीं देते जब बेटी का शादी हो। क्या है? एक है झाड़ू, दूसरा सुई, तीसरा चलनी और चौथा अचार। याद रखना कि जब बेटी का शादी करो अपने मायके से कभी झाड़ू मत लेकर आना, अपने मैके से सुई चलनी और अचार मत लेकर आए। अचार का तो विशेषता तो लिखा गया है कि मैके का अचार अगर ससुराल में आया तो वो बेटी को तन मन धन से दुख प्राप्त होगा। ये शिवपुराण का बात है, शिवपुराण में लिखा है इसमें कि जो बेटी अचार प्राप्त करती है लाती है तो तन मन धन से मैके का वो जो भोग लगाएंगे दुख तन मन धन से उनको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से लक्ष्मी मैया अब यहां पर तो ज्येष्ठा बैठी है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठी है। तो लक्ष्मी मैया अपने पति से कहते कि चलो हम अपने बड़ी बहन के घर घूम आए। तो जब घूमने को चली तो मैया लक्ष्मी ने पोटली में थोड़ा सा मिष्ठान ले लिया कि बहन को ले जाकर देंगे, बहन को ले जाकर देंगे। और जब पहुंची तो देखी तो ज्येष्ठा तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठी है। ज्येष्ठा जो उनके भाई पीपल के पेड़ और जो उनका पति वो तो आश्रम में है, तो यहीं पर दर्शन हो गया। लक्ष्मी ने उनके सामने जो मिष्ठान लाई थी वो दिया तो ज्येष्ठा बड़ी क्रोध हुई, तू मेरी बहना जी जानती है मुझे मीठा नहीं पसंद है, मैं तो तीखा और खट्टा खाती हूं। और उस मिष्ठान को ज्येष्ठा ने तुरंत बीत दिया। माता लक्ष्मी निराश हुई, भगवान विष्णु की ओर ताका, कोई भी वस्तु तुम्हें कोई प्राणी लाकर दे प्रिय बंधुजन उसको इसे बिगड़ाना चाहिए, स्वीकार करो, चाहे गरीब हो चाहे धनी हो, है ना, उसको आदर सम्मान देना चाहिए। ज्येष्ठा को बहुत क्रोध आया, लक्ष्मी तेरा जीवन तेरा बालापन हमारे साथ बीता है, तुम्हारा बालापन हमारे साथ बीता है और तुम नहीं जानते मुझे पसंद क्या है। एक तो वहां हमारे शादी हो गया और हमारे पति जी यज्ञ में लिप्त है 24 आवर्स और मैं वहां जा नहीं सकती क्योंकि मेरा नेचर ही है दरिद्रता दुख देना। ज्येष्ठा का काम है दरिद्रता दुख स्थापना करना।
माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अनुरोध किया कि हे प्रभु, ये पीपल के पेड़ के नीचे हमारी बहन बैठी है, तुम कुछ वरदान इसको दे दो, इसका भी जीवन बन जाए। तो भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के अनुरोध पर वरदान दिया कि जो भी प्राणी सप्ताह में दीप जो दिया है जाकर पीपल के नीचे दीप को जलाएगा, उनका धन वैभव इत्यादि सर्वदा के लिए बढ़ता जाएगा। इतना सुना ज्येष्ठा ने बहुत क्रोध हुआ, बोले तुमने पूरा हफ्ता ले लिया, मेरा वास कहां पर है, मुझे वास दो, मैं भी कहीं रहना चाहती हूं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे ज्येष्ठा, संपूर्ण सृष्टि में जितने देवी देवता हैं सबके आगे धर्म का वास है और पीछे अधर्म का वास है, आगे धर्म का वास है पीछे अधर्म का वास है, एक गणपति महाराज को छोड़कर, एक गणेश जी को छोड़कर अपितु जितने देवी देवता है उनका आगे का चिन्ह धर्म है और पीछे अधर्म है। उस दिन मैंने कथा में आपको बताया था रणछोड़ भगवान कृष्ण जब रण छोड़ के भागा था, कारण था उसमें। तो मैं तुझको वरदान देता हूं कि हे ज्येष्ठा तू जा बाबा गणपति के पास जा और गणपति के जो पाछा भाग है दरिद्रा तू जाकर वहां पर वास करो। तो गणेश जी के जो पाछा भाग है प्रिय बंधु, इसीलिए कहते हैं कि पीछे जाकर कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए, उसमें दरिद्रा को वास दिया। और फिर भगवान विष्णु कहता है कि इस पीपल के पेड़ के नीचे रविवार के दिन अगर कोई प्राणी खाली हाथ आ गया, अगर खाली हाथ आ गया तो उसके घर में दरिद्रा तू उनके साथ चली जाए। तो कभी पीपल के पेड़ के नीचे आप जाओ प्रिय बंधुजन तो खाली हाथ मत जाओ, फूल प्रसाद कुछ भी लेकर जाकर, पीपल का बहुत भारी मान्यता दिया गया है। इस प्रकार से गणपति महाराज बाबा जी का पहला पूजा किसने किया संसार में? सबसे पहला पूजन गणेश जी का किसने किया है मालूम है? अरे चालीसा तुम रोज जाते हो यहां बैठे हमारे साथ, चालीसा नहीं, गणेश चालीसा में ये पहला पूजन किसने किया महाराज बाबा गणेश जी का? शिव जी ने नहीं किया। धने चलो क्या चाहिए, डीवीडी देता हूं आपको दे दो, गौरी माता ने किया है अतिथि जान के गौरी सया, गाते भी नहीं चालीसा में, बहु विधि सेवा कराए तुम्हारी। जब शादी नहीं हुआ था पार्वती का तब से गणेश जी हैं। आओ आप सोचो है, गणेश जी शिव पार्वती का विवाह नहीं हुआ था तब से हैं। अब कौन गणेश? ये गजबुक गणेश आपने बंधु जन, जिसको स्वयं शिव जी ने रचना किया था, ये वो गणेश की मैं बात कर रहा हूं जिसका रचनहार स्वयं शिव जी है। जब पार्वती शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने के लिए महा वन में जाकर तपस्या करने लगती है प्रिय बंधु जन, तपस्या जब करने लगती है पार्वती जी तो शिव जी ने क्या किया, शिव जी तो वो योग साधन में थे और शिव जी ने एक बालक प्रकट किया, स्वयं बालक प्रकट किया जिसका गजमुख था, चार भुजा गजमुख, उससे पहले जब बालक को प्रकट करते हैं शिव जी, उससे पहले कुछ कथा ऐसे भी है, उससे पहले जब बालक को प्रकट करते तो बहुत सुंदर बालक था, इतना सुंदर था, वेरी हैंडसम, बहुत सुंदर था, जिसको देखकर
संपूर्ण विश्व मोहित हो गया था प्रिय बंधुजन, जिसमें शिवजी ने उस बालक का निर्माण किया अपने तपोबल से, पूरा विश्व मोहित हो गया था उस पर। और तब क्या होता है कि जितने देव लोग थे, जितने देव थे देवता आए शिव जी के पास, अनुरोध किए कि हे प्रभु, इस बालक में एक ऐसा रोचक, एक ऐसा मोहिनी है कि संपूर्ण ब्रह्मांड इस पर मोहित हो रहा है, कुछ कीजिए, अभी तो सृष्टि ये रुक जाएगा, सब लोग इसी पर केंद्र कर देंगे। भगवान शिव जी ने ठीक, चलो इसका सिर हम बदल देते हैं, और हाथी का सिर लगा दिया, बड़ा नाक कर दिया, पेट थोड़ा खींच के बड़ा कर दिया, लंबोदर हो गए। भगवान को वक्रतुंड क्यों कहा गया है? वक्रतुंड का मतलब क्या है? वक्र का मतलब, वक्रतुंड का मतलब, वक्रतुंड का मतलब क्या है? इसका भारी पेट हो और लंबोदर, लंबा नोज ना, हाँ ठीक है, नहीं मालूम है गूगल बाबा इसको, हाँ बैठे पीछे पहले फोन से खेलते तो यही करो। अच्छा हाँ, तो कहां पर थे हम कि शिव जी ने उसका बदलाव किया, और बदलाव करके तब उधर पार्वती का जो तपस्या है, पार्वती तपस्या कर रही है, और तब ये बालक पार्वती के सन्मुख पहुंचता है। प्रिय बंधुजन, पार्वती का ध्यान टूटा, पार्वती इसको देखती है, कौन तू? मैं तो शिव का जाप कर रही हूं, शिव का पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर रही हूं, और तुम कौन हो? तो ये कहते मैं शिव पुत्र हूं। अब उधर देखिए, अभी शादी नहीं हुआ है, मैं शिव पुत्र, मेरा नाम गजानंद है, मैं शिव पुत्र, मेरा नाम गजानंद है, तुमने सबसे पहले मेरा पूजन किया, और मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, जो इच्छा वरदान है मान, जो इच्छा तेरे मन में है सो वरदान तुम मान। एक समय गिरिराज कुमार पुत्र है गणपति, कहते हैं कि अभी तू कुंवारी है, पार्वती चाहती है कि मेरा शादी हो, मुझे पुत्र हो, ये उनकी मन के, इसीलिए वो तपस्या कर रही है। तो गणेश जी कह रहे हैं कि मैं शिव पुत्र हूं और तू मेरी मां बन, लेकिन इस समय तू कुंवारी है, तो क्या किया? भयो यज्ञ जब पूरे पार तब पहुंचे हरि निज रूपा अतिथि जान गे गौरी सुखारी बहुविधि सेवा करे तुम्हारी अति प्रसन्न है तुम वरदीना मात पुत्र हित ज्योति पतिना मिलाए पुत्र तो बुद्धि विशाल बिना गर्व धारण के तुझको जो पुत्र प्राप्त होगा वो बुद्धि, इसमें बुद्धि का विशेषता रहेगा, बुद्धि विशाला। तो इस प्रकार पार्वती माता ने सबसे पहले गजानंद भगवान का पूजन इस ब्रह्मांड में किया है, स्वयं पार्वती ने। और तब उस समय माता पार्वती ने उपटन नहीं लगाया था अपने शरीर में, उपटन तो बहुत बाद में लगाया जब वहां गया, लेकिन उसका वरदान यहां तप से प्राप्त हुआ अपने बंधुजन कि मैं तेरे घर पुत्र बनकर आऊंगा, जैसे मनुष्य कृपा ने तपस्या किया था, भगवान को रिझाया था, और भगवान ने वरदान दिया कि मैं तेरे द्वार पर पुत्र रूप में अवश्य आऊंगा। और मनुष्य कृपा कौन बने, मनुष्य कृपा कौन बनी, कौन बताया? क्या बात, श्री हनुमान जी की गाथा, इसमें आला भी है, नेक्स्ट गणचतुर्थी में आला सिक्के रहना गाएंगे आपके खासे, राइट? तो ठीक है, वो बने कौन, कौशल्या और दशरथ। कौशल्या और दशरथ बने मनुष्य कृपा, जिनके द्वार पर स्वयं कौन आए,
कौशल्या और दशरथ के द्वार पर कौन आया था? हरि व्यापक सर वर्ग समाना प्रेम से प्रगति होए मैं जाना। शिवा वैसे तो कथा के बाद में तुम्हारे बहुत बात चले, अब बताओ कि दशरथ को सीधा घर में कौन आया था? है प्रभु श्री राम जी चार अंश में आए ना, भक्ति सहित मुनि आहुति दीना प्रगटे अगिनि चरु करनीना जो कछु हृदये वशिष्ठ विचारा सकल काज भव सिद्ध तुम्हारा होइए। होइए भूप सुतचारी त्रिभुवन भव भातृभयहारी यह विवाद देव निर्भ जाय यथा योग निज भाग बनाय। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता विप्र धेनु सुन संकहिता लीन मनुज रहोता माया गुण गोपाल श्याम राम चंद्र की। जैसे मनुष्य रूपा ने तपस्या किया तो भगवान श्री राम चारण से उनके द्वार पर आ गए तब का इतना भारी प्रभाव इतनी बन जाए। वैसे कश्यप अदिति ने भी तपस्या किया था तो उनके द्वार पर कौन आए? कश्यप अदिति के द्वार पर तीन बार भगवान आए, प्रश्न के नाम से प्रश्न गर्भ पर आए, फिर वामन भगवान आए और पुनः द्वापर में कौन आए? हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण क्योंकि उनका आवाज यहाँ तक पहुंच सकता है आप हो ना, तो हमारे जो भाई बंधु पीछे हमारे आजा इत्यादि बोले भजन करना है भगवान के तो जवानी करो। एक संत मरने वाला था, एक संत मर रहा था तो उन्होंने बगल में बैठा था एक व्यक्ति से पूछा बोले देखो हमारे को दांत बचा है? बोले देखो हमारे को दांत बचा, मृत्यु आ गया है। तो संत पूछा बोले को दांत बचा? तो ये हंस रहा था तो बगल में बोले नहीं बोले को दांत नहीं बचा, बोले हाँ बोले मृत्यु के समय बोले जीवन में जो अकड़ कर रहता है वो पहले गिर जाता है, है? दांत अकड़ कर रहता है ना और जीव बिचारी है इधर उधर बचे दोच करे कहीं दांत हमें दवाई नहीं देना। लेकिन ये बात जीव नहीं जान, ये बात दांत नहीं जानता है कि अगर जीव चाहे तो जवानी पे दांत गिराए दे, अगर नहीं मानो तो निकलना आज बाहर जाना हो टाउन में एक बड़ा भाई मिल जाए दो चार शब्द उनके बोलो तो देखो कैसे दांत जाता है बोल कर देखो जवानी पे। तो भजन करना है भगवान के जवानी करो शक्ति इस समय। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम जवानी पे बोले नहीं अभी जवानी पे हम ये कर ले खेल ले कूद ले फिर थोड़ा भी जीवन ग्रस्त जीवन में थोड़ा कमाई भी पैसा बटोर ली फिर आगे गया पचासवीं लगा बोले अभी तो थोड़ा नाती पोता चला ले फिर बुढ़ापा जब आ जाएगा अपने बंधुजन जब हाथ पैर नहीं चलेगा मुंह में दांत नहीं रहेगा इनको बोलने का ताव भी नहीं रहेगा मुंह में, है कि नहीं? मुंह ही नहीं खुलेगा, हरि नाम लेने का ताव नहीं रहेगा, शक्ति नहीं रहेगा। इसीलिए कहता हूँ जवानी के भजन करो। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि गोविंदा।
How's your hands doing? अब देखो, ये है भक्ति का असर, यही है भक्ति का असर, और ये है बाबा का असर, आधा इधर आधा उधर, साथ में गाओ हरि सुंदर इंतजार नहीं करता प्रिय बंधुजन, समय का इंतजार मत करो कि जब आएगा समय तब हम भजन करेंगे। आज देखिए पिता यहाँ बैठे हैं, लेकिन पुत्र ऐसा होना चाहिए, चलो ताली दे विकास पिल्ले को कि ऐसा बीरा खाया, चलो हम करेंगे एक बार अगुवाई। हम यही चाहते हैं कि जो हमारे नौजवान हो उनके अपने पिता पर, पिता तुम्हारा सहारा देगा पीछे से, वो तो फूटा है, लेकिन तुमको बाहू में शक्ति होना चाहिए कि आने वाला वर्ष मैं करूंगा, आने वाला वर्ष मैं करूंगा। घर से बता कर चलो माता पिता को कि आने वाला वर्ष मैं बाबा जी को अगुवाई करूंगा। ये हम देखना चाहते हैं हमारे नौजवानों में। दूसरे के बुराइयां खोजना बंद कर दो प्रिय बंधुजन, ये करना आज से बंद कर दो। मंदिर में आते हो तो बुराइयां, यहां मैं बैठा हूं मेरे ओर ताकते हो तो मैं जो कहता हूं उस पर गौर करो प्रिय बंधुजन। निजी जीवन है प्राणी का मत झांकिए, हरि का भजन करो और स्मरण करो, ध्यान करो, भगवान तुम्हारा वैभव ऐसे बढ़ाएगा, शक्ति ऐसे बढ़ाएगा, और ऐसे पुनीत कार्य में तुम्हारा मन तब ही लगेगा कि आने वाला वर्ष जिस दिन गणेश चतुर्थी हो हम उस दिन 400 पीपल। सोचो अभी तो 11 दिन बाकी है, हम एक रोज निकाल कर जाएंगे। भैया एक बात बताए कि गणेश चतुर्थी जिस दिन लगता है सबसे पावन दिन वो होता है जिस दिन हम बाबा जी को पधराते हैं, और फिर आने वाला मंगलवार को यहाँ से ठीक 1:30 बजे हम बाबा जी का पद यात्रा शुरुआत कर देंगे। अनंत चतुर्दशी है उस दिन, सभी के लिए निमंत्रण है, सभी के लिए भोजन तैयार है, और महाप्रसाद लेकर हप्पा स्वान हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे, क्योंकि हमको 1 घंटा में कार्य पूर्ण करना है प्रिय बंधुजन। तो वैसे तो हम रोज कुछ ना कुछ बहाना करके सिगरेट गिरा देते हैं, कॉलिंग स्किप कर देते हैं, आज हैंगओवर है, आज हम काम करने जाएंगे। तो एक बात ऐसा कर लो, 10 दिन भक्ति किया, 11वां दिन गणेश बाबा जी के नाम पे हैंगओवर हो जाओ कि आज हम बाबा जी के नाम पे हैंगओवर हो गए और हम आने वाले नहीं हैं, हम अपने हैंगओवर समुद्र में जाकर सर्वा कर रहेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आने वाले मंगलवार को हम बाबा जी को यहाँ से नारा लगाते लेकर जाएंगे। ओम श्री गणपति गजानंद देवा, ओम श्री गणपति गजानंद देवा, रुद्रायो दुनिया तारी करू तुम्हारी सेवा, ओम श्री गणपति माता जी ना देव की पिता वासुदेवा, माता जी संग आयो राधा कोई करूं तुम्हारी सेवा, ओम श्री गणपति।
माता देना कौशल्या ने पिता दशरथ देवा संघ आयो सीता नारी करू तुम्हारी गजानन भगवान की जय। चलो भोग लगाते हैं। न्याय मार्गे मही महिषा
शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत् अपुत्रां पुत्रीणां सन्तो पौत्रीणां सन्तो पौत्रीणां देवनां सदनां सन्तो जीवन्तु शारदां सुतां हाथों को जोड़ेंगे बाबा गणाधीश से विनय करें कि परमात्मा आज आपकी कृपा से हम भक्तगण आपके दरबार में आज छठे दिवस के कथा प्रकरण में प्रवेश किए ऐसे में आपके कथन को श्रवण करते हुए भी राम तले आ पहुँचे। बाबा जी बस आपसे यही प्रार्थना कर रहे हैं, यह भी नहीं कर रहे कि परमात्मा पूरे विश्व का कल्याण करे। बाबा जी अपने वज हस्त प्रदान करें। बाबा जी आपसे भी नहीं कर रहे हैं, हम जगत में आप पूर्ण हैं, पूर्ण ब्रह्म आप है प्रभु। स्वयं से मैं तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, बस यही भी नहीं कर रहे बाबा जी कि अंत समय जब आए मेरा सांसों में तेरा नाम हो, अंत समय जब आए मेरा सांसों में तेरा नाम हो, छवि हो आँखों में तेरी, मन तेरे चरणों के पास हो। जीवन भर तो निभाया है, जीवन भर तो निभाया है, बस इतना और निभा देना, क्षमा कर सब पाप मेरे, प्रभु तू अपने धाम को बुला ले। ओम नमः शिवाय मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यद् पूजितं परिपूर्णं तदस्तु मे शरणं। ओम भव शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति रापाय शांति ऋषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवाय शांति ब्रह्मान शांति सर्वगुण शांति शांति रेवा शांति शामा शांति रेहि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वते पते हर हर धन्यवाद देवियो तथा सज्जनों। चले प्रेम से बोलेंगे गणाधीश भगवान की, हनुमान जी महाराज की, विश्व सनातन धर्म की। धन्यवाद देवियों तथा सज्जनों। चले शीघ्र नुकलुवा रामायण मंडली तथा श्रीमान तथा श्रीमती सुरेश नारायण गुलाबदास परिवार और रोनल प्रसाद परिवार से निवेदन करेंगे कि आप लोग शीघ्र ही प्रसाद की तैयारी करें, विशेष भोग लगाएंगे। राम कहे सुख उपजय कृष्ण कहे दुख जाय महिमा महापरसाद की पावहु भोग लगाय श्याम राम चंद्र की राधे प्रिय कृष्ण भगवान की। धन्यवाद बेसरी शिव्या सेवा जी। चलिए प्रसाद तैयार हो जाएगा तो ही हम यहाँ से आप लोगों को और बुकिंग करेंगे।
स्वामी जी मंदिर में बैठे हुए हैं और हम आप सभी से प्रार्थना करेंगे कि आप लोग थोड़ी देर के लिए शांत रहें। सूचना है तना बनी है उसको पहुँचना आप पर ये हमारा विशेष कर्तव्य है। तो प्रथम तो हम धन्यवाद देते हैं आज के यूनिवर्सिटी परिवार को जिन्होंने आज सुबह काल से अगर संध्या काल की पूजा और इसके साथ में और तमाम भक्त दलों को जो अपने प्रयुक्त समय निकाल करके आप सभी ने मंगल आरती जो है उसको संपन्न किया जाएगा और उसको संपन्न करने वाले व्यक्ति गुजरात समाज की ओर से श्रीमान प्रकाश जी और शरद कुमार जी साथ साथ में रामायण मंडली शक्ति कल्याण मंडल और Thank you.
Thank you.
कौन कहते हैं भगवान मैं आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कहते हैं भगवान आते नहीं। माया शोगा के जैसे बुलाते अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं राम नारायणं जानकी Hare Rama
Hare Krishna, Krishna Krishna.